जोश में उतरने की कोशिश की, वहां से मैं लग गई अब मेरे। और मित्रों कैसे हो? तो स्वागत है फिर से एक नए ब्लॉग में। तो आज के ब्लॉग में हम जाने वाले हैं, मेरे घर से एक 20 किलोमीटर दूर पे एक डैम पड़ता है जिसका नाम है हिडकल डैम। काफ़ी बड़ा है, मतलब इतना बड़ा है कि अगर सारे गेट खुल गए ना उसके, मेरा घर तो पक्का डूब जाना है भाई, तहलका मत जाना तहलका। तो जाते जाते सोचा मैं, मतलब एक पहाड़ दिख रही मेरे को और सुनसान सा मंदिर दिखा उस पर, तो मुझे लगा हो आते एक बार दर्शन करके फिर निकलेंगे डैम की तरफ। ओह गॉड, यहाँ तो तारों और बांध दिया है उन्होंने, ये कब किया। चलो अंदर डाल देता भाई, अभी चलता हूँ। पहुंच गया लगभग, शायद शिव जी का मंदिर है। यहाँ पर ढोल भी है भाई, ढोल मंदिर देखते घूम फिर के। तो वहाँ पे एक छोटा सा गुफा भी है पर से लॉक किया गया है फिलहाल। अच्छा ये लॉक कर दिए, लोग इसको भी बर्बाद कर देते। वो रहा डैम और वहाँ जाने वाले हम अभी। वो 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 जोश जोश में उतरने की कोशिश की, वहां से मैं लग गई अब मेरे। तो बस देख लिया अभी, जोश जोश में उतरने की कोशिश नहीं करना है, शॉर्टकट इज ऑलवेज रिस्की। अरे यहाँ से गिरा मैं एकदम, लुहा के गिरा नीचे, पुट्ठा घिस गया मेरा अभी। अब गिरने के बाद ना माइंड मेरा इतना अलर्ट है ना कि एक एक कदम सोच समझ के रख रहा हूँ मैं, अब नहीं करने वाला मैं कुछ दिन तक एटलीस्ट। हिडकल डैम मतलब आ चुका हूँ मैं वैसे, पर मेन गेट से एंट्री दे नहीं रहा, बोल रहा परमिशन चाहिए। यार ऐसा क्यों करते यार लोग, ऐसी ज़िंदगी में इतना दुख भरा हुआ है। तो कहीं से और से अगर जा सकता हूँ अंदर मैं ट्राई करूँगा, वरना बैड लक। ओहो वहाँ पर किला दिख रहा है, एटलीस्ट वहाँ जाने की कोशिश करते किले पर। हम देख रहे हो बारिश स्टार्ट हो चुकी है वहाँ पे और धीरे धीरे इस तरफ आ रही है। अब जल्द से जल्द निकलना पड़ेगा मुझे, तो मैं किले के एकदम मतलब दीवार के पास खड़ा हूँ, तो यहाँ से बस चढ़ना है मुझे। चलो इस किले के डिफेंस को टेस्ट किया जाए कि सही में दुश्मन को रोक सकती थी कि नहीं। लेट्स गो कमांडोस। यहाँ देख रहे हो चारों तरफ पहाड़ी पहाड़, पहाड़ और पानी से घिरा हुआ था किला, मतलब वैसे ही नेचुरल डिफेंस देख रहे हो उसका कितना तगड़ा था। कौन आवाज़ें कर रहा भाई, अजीब से डरावने से आवाज़ें कर रहा कोई, अरे राजा का भूत तो नहीं आ, अरे गड्ढा क्या है भाई, गड्ढे में कुछ है पता नहीं क्या है। काफ़ी ठंडा है अंदर यार गड्ढे के अंदर, बारिश होगी भाई स्टार्ट वहाँ पे, यहाँ पे भी आती होगी। अब भाई एक पत्थर भी देख रहे हो, ये पत्थर इस पे पैर रखता ना मैं जाता सीधा नीचे, जैसे पत्थर गया अभी। बच गया बच गया भाई बच गया, ओह नो फाइनली आई एम सेफ नाउ। क्या नज़ारा है अद्भुत, ऐसा लग रहा है यहाँ भी कोई आता जाता नहीं होगा ज़्यादा। ये अब एक्सप्लोर कर लेते इसी फोर्ट को, ये ना भरा हुआ क्यों है इतना, मुझे लगा कुछ रूम्स वूम्स होंगे मैं एक्सप्लोर करूँगा ट्रेजर मिलेगा, पर नहीं। ओहो भाई सोहाव देख रहे हो कितना मतलब गहरा ही है, पर देखते नीचे जाने के कोई रास्ता होगा मज़ा आएगा यहाँ पे। इतना गहरा है नीचे, एक अपना अलग इसका इकोसिस्टम बना पड़ा है, अलग ही पौधे हो गए पड़े यार नीचे। वैसे यहाँ सीढ़ियाँ तो है पर क्या है कि यहीं ख़त्म हो जा रही है आधे में। अरे यार कुछ तो है वहाँ पे नीचे, तलब मची पड़ी है यार, कुछ तो राज दफने पड़े होंगे वहाँ पे।
पता नहीं कौन सा राजा रहता था, कौन सा किंगडम बसा पड़ा था, ये राज भी उन्हीं सीढ़ियों के साथ खत्म हो गया। इस जगह पे तो पक्का आर्चर्स खड़े होते होंगे। हवा तो बहुत तेज चल रही है यहाँ पे, फील करो फील करो। तो किला तो एक्सप्लोर कर लिया है, अभी नीचे आ गया थोड़ा सा शांति से बैठ के, व्यू के साथ लंच करूँगा अभी बैठ के आराम से। ऐसे इस व्यू के साथ भाई खाना खाने में जो मज़ा आता है ना, स्वाद एकदम दुगना हो जाता है उसका। तो वह पेट पूजा तो हो गया और टाइम भी काफ़ी ज़्यादा हो चुका है, तो अभी निकलते बनते यहाँ से। बारिश के भी संभावने लग रहे यार, तो मिलते फिर अगले ब्लॉग में सीधा। तब तक के लिए चिल मारो,